यार आज वाली वीडियो हम लोग यार काफी कुछ देखने वाले हैं, काफी कुछ मतलब है, बहुत सारी चीजें मिली हैं एंड आप लोग को पक्का पसंद भी आने वाली है, बहुत सारी चीजें नई नई आने वाली है एंड आप लोग को पक्का पसंद आएंगी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब उसे कर दो, बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आ रहा होगा उसको दबा दो, उसका फायदा ये होगा आप लोग पहले दबा दोगे तो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड इस वाली वीडियो को लाइक एम रखेंगे भाई 50 लाइक्स के लिए, इसको भी जरूर से कंप्लीट कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मस्त बन रही है एंड मजा आ जाएगा देख के। सो 50 लाइक्स हमने कुछ नहीं तो 50 लाइक्स बनते हैं वाली वीडियो के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक एंड आप देख रहे हैं टेक विद कार्तिक। तो मेरे टाइम वगैरह वाली वीडियो को फिर शुरू करते हैं एक बार। सो गाइस यार सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रॉन्ग डोनेशन वगैरह करते हैं एंड अपनी एक्सपी बढ़ाने के लिए रॉन्ग डोनेशन करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट लीवर क्लैन होते हैं उस तरीके के क्लैन नहीं होते, अपने मतलब कुछ भी डोनेट कर देते हैं जिससे एक्सपी बढ़ जाए। अब वो चीज़ यार यहाँ पर खत्म होने वाली है, आप लोग यार स्क्रीन के ऊपर सारी इमेजेस वगैरह देख लेना, ये देख के आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग जैसे रिक्वेस्ट करने जाओगे ना तो आप लोग मैनुअली ट्रूप्स को सेलेक्ट करके मतलब रिक्वेस्ट करनी होगी, पहले आप लिख करके दे देंगे मेरे को ये चाहिए, अब आप लोग को ट्रूप्स को मैनुअली सेलेक्ट करोगे एंड वो रिक्वेस्ट कर दोगे ना, उसके बाद जो बंदा डोनेट करना चाहेगा वो वही ट्रूप डोनेट कर सकता है, अपने सेलेक्ट करके होंगे। अगर बंदा कुछ और मतलब डोनेट करना चाहेगा तो वहाँ पर नहीं कर पाएगा। आप लोग स्क्रीन के ऊपर सारी इमेजेस वगैरह देख लेना कि किस तरीके का मतलब इंटरफेस दिखने वाला है, सब कुछ दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। सो यार बढ़ते अपनी सेकंड चीज के ऊपर, जो कि यार यहाँ पर रिसर्च पोर्शन होता है ना, जिससे हमारी अपने लेबोरेटरी में बूस्ट हो जाती है, वो हम पहले कर पाते थे 10x कर पाते थे एक बूस्ट में, एक घंटे के अंदर 10x स्पीड से चलता था। अब अपडेट आने के बाद वो 24x की स्पीड से चलेगा, मतलब आप लोग एक घंटे के अंदर अपना एक दिन का पूरा कर सकते हो इस तरीके का। यहाँ पर इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ ही यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी अगर ट्रेडर वगैरह से हम खरीदेंगे तो। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना कितने में खरीद सकते हैं, मैं ज्यादा आप लोग को बताऊंगा एक बार आप लोग पढ़ लेना, अगर बताने लग गया भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड अगर आप लोग को यहाँ पर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो एक बार आप लोग सीओसी की अपनी जो न्यू सेक्शन होता है ना उसके अंदर देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं वहीं से ये सारी देख के बता रहा हूँ। एंड बात कर ले अपनी थर्ड चीज की, जो कि हम लोग की सीसी के ट्रूप्स होते हैं ना, ये बिल्कुल लेजेंड लीग जैसा सिस्टम होने वाला है, जैसे ही हम लोग मतलब अटैक वगैरह करने गए तो हमारे सीसी के ट्रूप्स हट जाते हैं, बट ये करने के बाद हटेंगे नहीं, हम लोग इनको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्रेंडली चैलेंज वगैरह देंगे तो वही ट्रूप जाएंगे जो हमने ले रखे होंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी, बिल्कुल लेजेंड लीग जैसा सिस्टम होने वाला, आई थिंक आप लोग समझ ही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर, जो कि हमारी क्लैन गेम्स को लेकर है, हम लोग जैसे क्लैन गेम्स के अंदर मतलब तीन चीजें हैं, वो तीनों चीज हमारे पास ऑलरेडी है तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाते ना, तो वहाँ पर हम लोग को उसकी जगह जेम्स मिलेंगे और जेम्स कम नहीं मिलेंगे, जैसे 10-15 जेम्स मिलेंगे उतने ही मिलेंगे जितने हम उसको परचेज करते हैं, मतलब हम लोग 500 जेम्स बुक ऑफ हीरो वगैरह परचेज करते हैं तो उतने ही जेम मिलेंगे अगर हम लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको नहीं ले पाएंगे एक तरीके से, तो हम लोग को उतने ही जेम्स मिलेंगे जितने में हम खरीदते हैं चीज़ों को। एंड बात कर लेते हैं अपनी अगली चीज की, जो भी यार यहाँ पर CWL के अंदर चैंपियंस लीग वाले क्लाइंट होंगे ना, सिर्फ उन्हीं के लिए चीज़ है यहाँ पर, मतलब जो भी मतलब मेंबर्स वगैरह होंगे एंड मेंबर्स ही होंगे और जो भी मतलब CWL के रोस्टर में ऐड नहीं होंगे, मतलब हम लोग CWL स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो बंदे ऐड नहीं होंगे वो बंदे वहाँ पर वॉर नहीं देख पाएंगे, मतलब कई एक बार ऐसा होता है कि एनिमी के बंदे आकर स्क्रीन शॉट वगैरह लेके चले जाते हैं बेसिस वगैरह के, तो ये चीज़ को यार यहाँ पर रोकने के लिए इन्होंने ये चीज़ लगाई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस लीग वालों के लिए ये चीज़। एंड यार वीडियो के अंदर बने रहना, अभी बहुत सारी चीज़ें रह चुकी हैं, अभी ये वाली जो चीज़ बताने वाला हूँ ये उन बंदों के लिए बहुत सारी चीज़ है जो बंदे गोल्ड पास यहाँ पर परचेज नहीं कर पाते, सो वीडियो में बने रहना, अभी बहुत सारी चीज़ें रह चुकी हैं। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड पास की, जो मतलब गोल्ड पास यहाँ पर परचेज नहीं कर पाते ना वो बंदे यहाँ पर हीरो स्किन को अपनी जो भी प्रीवियस हीरो स्किन आई है, मतलब गैलेटर क्वीन वगैरह की आई है, आइस क्वीन वगैरह की आई है, बहुत सारी कोई मेरे को नाम याद नहीं होंगे बट बहुत सारी आई है, वो बंदे यहाँ पर जेम से खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को स्क्रीन शॉट दिखा दूँगा किस तरीके का लुक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग 1500 जेम्स में एक स्किन खरीद सकते हो सकता है, या फिर दूसरी स्किन के अगले, या फिर मेरे हिसाब से 1500 ही लगने वाली है हर स्किन की, यहाँ पर आप लोग हर स्किन मतलब 1500 जेम्स में खरीद सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ लगी जो बंदे यहाँ पर गोल्ड पास अफोर्ड नहीं कर पाते उन बंदों के लिए, यार एक बहुत सही चीज़ है। एंड यार इसी के अंदर एक चीज़ और होने वाली है, हम लोग को मतलब स्किन वगैरह हम लोग खरीदते हैं या फिर जेम वगैरह से भी अगर हम लोग खरीदेंगे तो यार यहाँ पर हम लोग खरीदने के बाद ना एक न्यू सेक्शन आने वाला है, जिस तरीके आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर सारी स्किन आ जाएगी जो भी हमारी, जैसे क्वीन की स्किन आ जाएगी सारी या फिर किंग की होंगी तो वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। सो उस तरीके से यार ये फिर मतलब काफ़ी चीज़ें की ग्राफिक चेंजेस बोल सकते हैं इसको हम लोग, मतलब जो आप लोग स्किन को कोई चेंज वगैरह करने जाओगे तो आप लोग को जिस तरीके इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, पहले थोड़ा सा मतलब अजीब लगता था बट इस बार यार काफ़ी सही लग रहा है, सो ये आने वाला है। एंड बात कर लेते हैं अदर इंप्रूवमेंट्स की, जो कि यार यहाँ पर ग्रैंड बॉर्डर एंड यहाँ पर रियलिटी के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, ग्रैंड बॉर्डर की यार यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसको इंप्रूव करा जा रहा है, मतलब ये टीममेट्स के पास पहले चले जाता था, ठीक है, हीरोज वगैरह के पास ना जाता था एंड अपने जो ट्रूप नॉर्मल ट्रूप्स होते थे उनके पास नहीं जाता था, ये टीममेट्स के पास जाता था तो इनके पास सबसे नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर जो अपनी इगलिटेरी होती है वो भी यार यहाँ पर टीममेट्स के मतलब ऊपर लॉक हो जाती है तो अब से यार वो भी नहीं हुआ करेगी। एंड बात कर लेते हैं थोड़े से ग्राफिक चेंजेस की, जो यार अपनी प्रोफाइल हुआ करती थी ना पहले, प्रोफाइल आपने ओपन करके देखी होगी किस तरीके की दिखती थी, बट अब उससे अलग दिखने वाली है, अब कुछ इस तरीके की दिखने वाली है, आप लोग उसके ऊपर दिखा दूंगा, जो अपने मतलब ट्रूप्स हुआ करते थे राइट हैंड साइड आया करते थे, अब से वो जो अपना हीरोज होंगे उसके नीचे आया करेंगे, जो अपने हीरोज होंगे ना उनका भी यहाँ पर लुक चेंज होने वाला है, उनका एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा जो कि मतलब चारों एक साथ रहा करेंगे एंड कुछ इस तरीके का है, सो देख सकते हो यहाँ पर। एंड ग्राफिक चेंजेस पर मेरे को काफी बढ़िया लगे, एंड आप लोग को मैंने ट्रीज वाला भी दिखाया था पिछली वाली वीडियो में, सो वो भी यार यहाँ पर होने वाला है। एंड बात कर लेते हैं यार सबसे मेन चीज की, जो कि आप लोग मैंने उसी के लिए आई थिंक देखने आओगे वाली वीडियो, सो ये चीज़ यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग जो न्यू ट्रूप जैसा लग रहा है बट ये न्यू ट्रूप तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, अभी न्यू ट्रूप तो मेरे को लग नहीं रहा कोई आने वाला इस टाइम, क्योंकि आने वक्त तब तक उसकी सीख पिक आ जाती, बट यहाँ पर जो अपने लेफ्ट साइड में एक मतलब कुछ आने नहीं वाला, मेरे को उसी से रिलेटेड इस चीज़ का
कुछ लग रहा है यहाँ पर अपनी वॉलग्री जैसी लग रही है, बट वॉलग्री तो यार यहाँ पर है नहीं क्योंकि वॉलग्री का लेवल आने वाला 8 एंड इसके अंदर है यहाँ पर 9। एंड एक चीज आप लोग और नोटिस करोगे ना तो उसके जो बॉर्डर होंगे वो कुछ गोल्डन गोल्डन तरीके के लग रहे हैं। तो यार यहाँ पर कुछ हो सकता है, मेरे कुछ नहीं पता इस बारे में, बस इमेज में लिया है। तो आप लोग एक बार बताना यार आप लोग को क्या लगता है कि कोई न्यू ड्रॉप आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, जो भी आप लोग को लग रहा है उसको एक बार कमेंट बताना। एंड अभी एक चीज़ वो लेफ्ट वाली चीज़ भी रह गई जो अपने ट्रेडर के बगल में आने वाली है, सो उसका भी अभी कुछ नहीं पता, उसकी भी आई थिंक मंडे को स्नीक पिक आएगी, सो उसमें अगली में वीडियो बना दूंगा जो आएगी। एंड इस गोल्डन वाले ड्रॉप का मेरे को बताना आप लोगों को क्या लग रहा है, न्यू ड्रॉप आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। इस तरीके का अभी तक तो अपनी कोई गेम में ड्रॉप है नहीं, वॉलग्री जैसा लग रहा है, बट वॉलग्री शायद से नहीं है क्योंकि वॉलग्री का लेवल आने वाला है 8। आप लोग को पहले मैंने बता रखी है, ऊपर से वालों ने चीज़ कन्फर्म भी कर रखी है, सो ये कुछ और ही चीज़ आने वाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है क्योंकि गोल्डन तरीके का अभी तक कुछ भी नहीं है अपनी गेम के अंदर, सो ये पहली बार ही आ रहा है। एंड लेवल 9 का भी इस तरीके का कोई ड्रॉप है नहीं, सो ये कुछ नई चीज़ लग रही है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। बस आप लोग एक बार कमेंट में जरूर से बताना आप लोग को क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है एक बार कमेंट बता देना, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो सही चले जाए जो आप लोग बताओ। सो एक बार कमेंट जरूर से बता देना, सारे कमेंट रीड करूँगा। सो भाई आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड बगल वाला बेल आइकन जरूर से दबा देना क्योंकि नेक्स्ट बहुत खतरनाक आने वाली है। उसी के अंदर है जो जो ये चीज़ दिखाई है ना, आई थिंक ये उसके अंदर अच्छे से रिवील हो जाएगी, मतलब गेम प्ले वगैरह जो भी होगा सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर अगली सीक वीक के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर से सारे बंद करके रखना, एंड बेल आइकन जरूर से दबा देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Damn, it feels good to be a gangster, a real gangster ass.